हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मुकेश सोनी, आई वेलकम यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ डीडी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। टुडेज आवर टॉपिक इज द बायोडायवर्सिटी। यस, वी आर स्टार्टिंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर टुडे, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। द बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी इज द कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, बायो विच मीन्स लाइफ एंड द डायवर्सिटी विच मीन वेरिएशन। लाइफ एंड वेरिएशन, okay, means according the meaning of the biodiversity is the diversity found among the living beings found on the earth। matlab earth pe alag alag tarah ke living beings hote hain, to earth pe very diversity matlab alag alag tarah ki variety। to earth pe kai tarah ke living beings humko milte hain, insect mil jate hain, birds mil jate hain, animal mil jate hain, plant mil jate hain, aur plant bhi alag alag tarah ke, yahan tak camel dekhe to camel bhi alag alag tarah ke mil jayenge, cow bhi alag alag tarah ke mil jayegi, frog bhi alag alag tarah ke mil jayenge, ek rose hai to rose ki bhi alag alag variety humko mil jayegi। so that is the diversity, okay। आई होप यू अंडरस्टूड। बायोडायवर्सिटी इज अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म बिकॉज द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एंटायर फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बायोडायवर्सिटी बहुत ही लॉन्ग टर्म है जिसमें बहुत अर्थ की सारी फ्लोरा आ जाती है, सारी फौना आ जाती है। फ्लोरा मीन्स प्लांट की जो वेराइटी होती है, फौना मीन्स एनिमल की जो वेराइटी होती है। ओके, सो इट्स एक्सपेंस रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक प्लांट एल्गी टू द जायंट बनियान ट्री। छोटे एल्गी जो होती है पानी में और उससे लेके बनियान ट्री तक जो कि वेरी जायंट होते हैं, बहुत किलोमीटर तक फैले होते हैं बनियान ट्री। उनकी जो रूट होती है वो जो उस पर लीफ से ही ऊपर वाले हिस्से से ही उनकी रूट निकलती रहती है और ग्रो होती जाती है, लंबा बहुत फैल जाता है। तो इसके अलावा रेडवुड फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वाटर प्लैंकटॉन टू मैमोथ, छोटे छोटे प्लैंकटॉन होते हैं लिविंग बींग पानी के अंदर, वहाँ से मैमोथ बड़े तक, ठीक है। वेल और बैक्टीरिया, वेल भी इसमें शामिल है, तो बैक्टीरिया भी आते हैं, तो वॉल्यूमिनस एलिफेंट्स भी, बड़े बड़े एलिफेंट भी आते रहते हैं। तो कई तरह की डाइवर्सिटी हमें हमारी अर्थ पे मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाई द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1987, बायोडायवर्सिटी हैज बीन डिफाइंड एज फॉलो। तो बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन बनाई गई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1987 में। क्या है? द डाइवर्सिटी असिमेट्रिकली ecologically complexity found among the biological organism is called biodiversity। the diversity asymmetric matlab kuch symmetry alag alag living being hai, koi symmetry nahi hai। ecological complexity alag alag water ecology hai, to water ke andar water habitat ke alag alag living mil jayenge, desert pe alag alag living being mil jayenge, okay, forest pe alag alag tarah ke living being mil jayenge। so that is all called the biodiversity, that is all called biodiversity, okay, understood। Presently, the biodiversity found on our planet is a result of the continuous evolutionary and development process of life continuing from billion of years। हम जानते हैं हमारे अर्थ पे जो आज ह्यूमन है, तो ह्यूमन को ऐसे नहीं बना, ह्यूमन को बनने में इवोल्यूशन हुआ है, बिलियन ईयर्स लग गए हैं। आप जानते हो अर्थ पे जो अर्थ की सारी हिस्ट्री आप जानते हो, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ चैप्टर में भी है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। स्टार्टिंग छोटे छोटे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ से लाइफ शुरू हुई थी और आज ह्यूमन तक बहुत ही डेवलप ब्रेन का बहुत डेवलप इतना सारा इवोल्यूशन हुआ। डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब ये सब बायोडायवर्सिटी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट अर्थ में होता गया और ह्यूमन तक बन गया। ओके, आज ह्यूमन में भी डाइवर्सिटी है, ह्यूमन में भी देखो कई तरह के ह्यूमन मिल जाते हैं, ह्यूमन में भी डेवलपमेंट चल रहा है। पहले के लोग थे वो गाँवों तक सीमित थे, आज बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, हमारी सुख सुविधाएँ बढ़ रही है, हमारा डेवलपमेंट, हमारा मेंटल ग्रोथ बढ़ रही है, आज इंटरनेट हो गया, ये सारा इवोल्यूशन चल रहा है। ओके, सो दैट इज बायोडायवर्सिटी मतलब लिविंग बींग की डायवर्सिटी। इन फैक्ट बायोडायवर्सिटी इज वेरी इसेंशियल टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ओके सॉरी, बायोडायवर्सिटी इज अ वेरी इसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। आज हमारा जो इकोसिस्टम है तो इसमें बैलेंस रखने के लिए बायोडायवर्सिटी बहुत जरूरी है। ओके, तो एक बैलेंस मेंटेन करता है पूरी अर्थ में, हर लिविंग बींग का इतना इंपॉर्टेंस है। कोई एक भी लिविंग बींग अगर अर्थ में अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो पूरी अर्थ का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए सारा बैलेंस जरूरी है। जैसे मान लो टाइगर है, आज टाइगर प्रोजेक्ट चलता है, टाइगर मान लो खत्म हो गए तो क्या होगा, क्या लॉस है टाइगर खत्म होने से? बहुत लॉस है। अगर मान लो टाइगर खत्म हो गए तो टाइगर जिन एनिमल को खाते हैं वो एनिमल्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब वो एनिमल ज़्यादा हो जाएंगे तो मान लो हर्बीवर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो प्लांट को खाएंगे, तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, फिर प्लांट्स कम हो जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा प्लांट्स को चलने लगेंगे, प्लांट कम हो जाएंगे, और प्लांट कम हो जाएंगे तो दूसरे लिविंग बींग जो प्लांट्स से फूड लेते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया आपका। तो हर लिविंग बींग का अपना एक इंपॉर्टेंस है अर्थ के अंदर, अगर कोई भी डिस्ट्रॉय होता है एक पूरा बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। आज जो हमें पॉल्यूशन
हो रहा है, आज कई तरह की एपिडेमिक्स आ रही है, पेंडेमिक्स हो रही है, इन सब का कारण क्या है? सारा कारण इकोलॉजिकल इम्बेलेंस ही तो है इसका कारण। ओके, तो हम अभी बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग लेवल समझते हैं, अलग अलग टाइप समझते हैं। सबसे पहला है स्पेसिस डाइवर्सिटी। स्पेसिस डाइवर्सिटी मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हुज मेंबर आर आइडेंटिकल इन अपीयरेंस, आइडेंटिकल इन अपीयरेंस एंड हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय रिप्रोडक्शन इन नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन इज कॉल्ड स्पेसिस। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हुज मेंबर्स आर आइडेंटिकल इन अपीयरेंस एंड हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय द रिप्रोडक्शन इन नेचुरल कंडीशन इज कॉल्ड ए स्पेसिस। मतलब ऐसे लिविंग बींग जो दिखने में जैसे आइडेंटिकल है, उनका अपीयरेंस आइडेंटिकल है और वो अपने जैसे बच्चे दे सकते हैं, अपने जैसे सेम बच्चे दे सकते हैं। काउ से काउ पैदा हो रही है, कैट से कैट आ रही है, डॉग से डॉग आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिस कहेंगे। जो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, अपने जैसे बच्चे देते हैं, उनको हम स्पेसिस कहेंगे। ओके, जैसे कैमल है तो कैमल की, इंडियन कैमल की स्पेसिस अलग है और सारा डेजर्ट में जो कैमल है उसकी स्पेसिस अलग है। इन दोनों में प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के सेम भी नहीं है। इंडियन कैमल के पास एक कुबड़ होता है, वहाँ पे दो कुबड़ है, दोनों की दोनों अलग अलग स्पेसिस है। हाँ है वो कैमल, लेकिन स्पेसिस अलग अलग है उन दोनों। द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसिज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल फाउंड इन एनी स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड स्पेसिस डाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसिज ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया, मतलब एक ही एरिया पे किसी प्लांट की, एनिमल की अलग अलग स्पेसिज का पाया जाना स्पेसिज डाइवर्सिटी कहेंगे आपको। जैसे फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग तरह के आपको फ्रॉग मिल जाएंगे, फॉरेस्ट के अंदर आपको अलग अलग तरह के बीटल मिल जाएंगे, फॉरेस्ट के अंदर आपको अलग अलग तरह के स्पैरो मिल जाएंगे, तो दैट इज द स्पेसिज डाइवर्सिटी। ओके, इन जनरल मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज बेटर अंडरस्टूड बाय द स्पेसिज डाइवर्सिटी। इट एक्ट एज ए स्केल टू मेजर द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। देखो कितना फायदा है, ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करेगा। कैसे? मान लो द माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी मेनी फोल्ड हायर देन द अदर ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। डाइवर्सिटी मेनी फोल्ड हायर देन द अदर ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। इट्स नॉट वर्थ हियर दैट ओनली 1 ग्राम ऑफ सॉइल कंटेन अबाउट मोर देन 10 मिलियन बैक्टीरिया। मतलब अर्थ के अंदर 1 ग्राम अगर आप सॉइल ले लो तो सॉइल के अंदर लगभग 10 मिलियन बैक्टीरिया मिल जाएंगे, 50,000 फंगाई मिल जाएगी। इस बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? स्पेसिस डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? मान लो अर्थ के अंदर कोई ऐसी पेंडेमिक हो जाए और पेंडेमिक के ऊपर ये पर्टिकुलर स्पेसिस का लॉस हो जाए, वो खत्म हो जाए, जैसे डायनासोर खत्म हो गए थे, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर पीएच इतनी बढ़ गई थी, डायनासोर सारे खत्म हो गए, एक स्पेसिस थी वो। अब अगर मान लो कोई टेम्परेचर को चेंज हो जाए, कोई पेंडेमिक आ गए, अगर एक स्पेसिस खत्म हो जाए तो कम से कम दूसरी स्पेसिस तो बचेगी उस एनिमल की, है ना? जैसे लॉयन अलग अलग तरह के, एक टाइप का लॉयन खत्म होगा तो दूसरे लॉयन तो बचेंगे। तो इस तरह से क्या हो सकता है, हमारा डेवलपमेंट बना रहेगा, अर्थ का बैलेंस बना रहेगा। अगला आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। व्हाट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी? द वेरिएशन फाउंड इन द डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम स्पेसीज ड्यू टू द जीन इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब स्पेसीज वही है, स्पेसीज वही है, उसी स्पेसीज के अलग अलग मेंबर है, उसी स्पेसीज के अलग अलग एनिमल है, लेकिन उनके जीन्स में डिफरेंस है। जैसे मान लो काऊ है तो काऊ इंडियन काऊ अलग है, फॉरेन की काऊ अलग है। इंडियन काऊ क्या करती है? वो डिजीज रेजिस्टेंस होती है, बीमार नहीं पड़ती है, है ना? और फॉरेन की जो काऊ है वो जैसे कि वो क्या करती है, दूध ज़्यादा देती है, लैक्टेशन पीरियड बहुत हाई होता है। तो दोनों अलग अलग जीन्स हैं, दोनों के अलग अलग जीन्स। दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, दैट इज द कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, द डाइवर्सिटी इज फाउंड बिटवीन द डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ वन स्पीसीज ऑफ बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन के अलग अलग मेंबर में एक स्पीसीज के अलग अलग ग्रुप हो जाना, अलग अलग मेंबर हो जाना, तो उसको कहेंगे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब एक स्पीसीज की डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, उसको कहेंगे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। द डिफरेंट कैरेक्टर फाउंड इन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, बता दिया हमने। जैसे राइस है, अब राइस की इंडिया में अलग अलग तरह की स्पेसीज हमको मिल जाती है, या एक ही स्पेसीज होती है तो उसकी भी अलग अलग हमको जीनस मिल जाते हैं। बासमती राइस अलग है और अलग अलग तरह के राइस हमको अलग अलग मिल जाएंगे। इनहेबिटिंग डिफरेंट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, या वर्ल्ड के अलग अलग तरह के इकोसिस्टम पे ग्रो करते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम में ग्रो करने का इनके जीनस अलग अलग होते हैं, इनकी वेरायटी अलग अलग होती है, इनकी क्वालिटी अलग होती है। जैसे काऊ का मैंने एग्जाम्पल दिया है, इंडियन काऊ डिजीज रेजिस्टेंस और इनकी काऊ लैक्टेशन पीरियड हाई, दूध ज़्यादा देती है। अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें तो हमें डिजीज रेजिस्टेंस क्वालिटी मिलेगी
और दूध भी ज्यादा देगी काउ. ओके, द हाइयर द जेनेटिक वेरिएशन इन द मेंबर ऑफ द स्पीसीज द लेसर विल बी द रिस्क ऑफ रिडक्शन. यार दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड. अगर एक ही स्पीसीज के अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन होगा तो उनका एक्सटिंक्ट होने का, अर्थ में से विलुप्त होने का खतरा कम से कम होगा, क्योंकि अलग अलग जीनस अलग अलग तरह से डिफाइंड होगा. ओके, फॉरेन काउ अगर मर भी गई तो कम से कम इंडिया की काउ तो बचेगी. काउ बचेगी तो आगे और दूध देने के लिए आगे और स्पीसीज हमको मिल जाएगी. ओके, द वेरिएशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द जीनेसिस ऑफ न्यू मेम्बर. तो और ये वेरिएशन में भी हेल्प करता है. वेरिएशन आप जानते होंगे, अर्थ में वेरिएशन है. इस वेरिएशन के कारण सारे मेंबर्स अपने को मेंटेन किए हुए हैं अलग अलग. कोई कोई किसी टेम्परेचर पे रहता है, कोई किसी टेम्परेचर पे रहता है. मान लो भी ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर में और ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो कोई एक एनिमल मरेगा तो कम से कम दूसरा तो बचेगा. अभी कोई बाढ़ आ जाए तो उस पानी मॉइस्चर इतनी ज़्यादा हो जाए, कोई एक एनिमल मर जाए, लेकिन उसका उसी ग्रुप का दूसरा मेंबर तो बचेगा, उसी का दूसरी स्पीसीज बचेगी. मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, इंडियन कैमल मर जाए, थार कैमल मर जाए, तो कम से कम सारा कैमल तो बचेगा. तो इस तरह से एक वेरिएशन बना रहेगा अर्थ के अंदर, और वेरिएशन बना रहेगा अर्थ चलती रहेगी लंबी. ओके, अगला एंड लास्ट टाइप आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, व्हाट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी? द सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय म्यूचुअल इंटरेक्शन अमंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्रिवेलिंग अबायोटिक कंपोनेंट इन स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम. मतलब एक ही एरिया के ऊपर, एक ही एरिया के ऊपर अलग अलग लिविंग बींग मिलते हैं, अलग अलग लिविंग बींग मिलते हैं और उनमें आपस में म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता रहता है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. और उस डाइवर्सिटी को बोलेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. जैसे है कि ग्रासलैंड है, माउंटेन है, डेजर्ट है, मॉइस्टलैंड है, सी है, रिवर वैली है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल मिलते हैं और सब में आपस में इंट्रैक्शन होता है. ठीक है, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स को हिरण खा रही है, हिरण को कोई और खा रहा है. ठीक है, तो इस तरह से सब में आपस में इंट्रैक्शन बना रहता है, तो इसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. कल हम पढ़ेंगे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. ओके, तो थैंक यू एवरीवन.